24 न्यूज इन इंडिया के लिए बिजनौर से अमीन अहमद की रिपोर्ट। आज सुबह जिलाधिकारी बिजनौर रमाकांत पांडे ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बिजनौर की सड़कों पर सफाई अभियान चलवाया। शहर के सभी अधिकारी भी इस काम में लगे हुए थे। सफाई से संबंधित कर्मचारी सड़क पर से पॉलिथीन उठाते हुए चल रहे थे। डीएम ने बिजनौर की जनता से आह्वान किया कि वो कोशिश करे कि पॉलिथीन का प्रयोग न हो। छापेमारी का अभियान कुछ ही दिनों तक चलाया जाता है मगर फिर बंद कर दिया जाता है, जिससे दुकानदारों में भय नहीं रहता। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद डर पैदा करना या डंडे के जोर पर किसी को कानून का पालन कराना नहीं है। हम जागरूकता के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं को बंद कराना चाहते हैं, जिसमें उन्हें छापे लगाते हैं और भारी मात्रा में पॉलिथीन पकड़ी जाती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि खासतौर से सब्जी मंडी और फल मंडी में खुलेआम इसका प्रयोग हो रहा है। सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की मान्यता यह है कि कुछ दिन अभियान चलता है फिर ठंडा पड़ जाता है। बात किसी को दंडित करने की नहीं है, बात जागरूक करने की है। यदि हमारे उपभोक्ता इस बात के लिए मना करेंगे कि हम पॉलिथीन में सामान नहीं चाहते, यदि हमारे दुकानदार स्वयं इस बात के लिए जागरूक होंगे कि साहब ये नुकसानदेह है, इसका प्रयोग अच्छी बात नहीं है, तभी इसकी सफलता है। डंडे के बल पर या दंड के लिहाज से कि साहब कोई पकड़ा जाएगा तो उसका इतना पनिशमेंट होगा, ये बात बहुत दूर तक नहीं जाती। जागरूकता की बात विशेष है, उससे लाभ होगा।